ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टेली ईआरपी 9 के इम्पोर्ट अध्याय के चौथे भाग में हम सीखेंगे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में वाउचर एंट्रीज इम्पोर्ट करना। अभी तक हम सारे लेजर्स या मास्टर्स एक्सपोर्ट करना और उन्हें दूसरी कंपनी में इम्पोर्ट करना सीख चुके हैं। अब मान लीजिए हम अपनी कंपनी का रिसीट पेमेंट का हिसाब अलग से भी रखना चाहते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाए कि हमने कितना भुगतान किया है और हमको कितनी प्राप्ति हुई है। उसके लिए हमने एक अलग कंपनी इसी फाइनेंशियल ईयर में बना ली है, जिसका नाम हमने दिया है ABC ट्रेडर्स RNP 12-13। और उसमें हम ABC ट्रेडर्स 2012-13 के लेजर्स बैलेंस सहित इंपोर्ट कर चुके हैं और अब हमको रिसीट और पेमेंट की एंट्रीज इंपोर्ट करना होगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, इंपोर्ट करने के लिए पहले हमको वो एंट्रीज जहां से चाहिए वहां से एक्सपोर्ट करनी होगी। तो अब हम इन एंट्रीज को ABC ट्रेडर्स 2012-13 से पहले एक्सपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में और यहाँ से हम जाएंगे डे बुक में। अब हमें सबसे पहले जिस पीरियड की एंट्रीज चाहिए वो पीरियड यहाँ पर ले लेंगे। मान लीजिए हमको 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 की एंट्रीज चाहिए, तो हम यहाँ पर पहले पीरियड चेंज कर लेंगे। उसके लिए पीरियड पर जाकर के हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 का पीरियड चुन लेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, इस पीरियड के दौरान जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन सब की एंट्रीज यहाँ पर आ गई हैं, पर हमको अब इसमें से केवल रिसीट और पेमेंट की एंट्रीज चाहिए, तो वो हम चुन लेंगे और एक एक करके उनको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है चेंज वाउचर का, चेंज वाउचर पर जाएंगे। यहाँ पर सारे वाउचर टाइप्स आ गए हैं, इसमें से हम चुन लेंगे रिसीट। यहाँ पर ध्यान रखें, एक बार में एक ही वाउचर टाइप की एंट्रीज हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए सारी रिसीट की एंट्रीज आ गई हैं और अब हम इनको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट पर जाकर क्लिक कर देंगे, बैकस्पेस की हम प्रेस करेंगे। ये यहाँ पर हमने आपको फॉर्मेलिटीज जो भी होती हैं बता दी थी। लैंग्वेज आ जाएगा बाय डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस, फॉर्मेट आ गया है, एक्सपोर्ट लोकेशन आ जाएगी। अब आउटपुट फाइल का नाम जो है वो यहाँ पर daybook.xml आएगा। एंटर प्रेस करके आगे आते जाएं। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, हम एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाते हैं और अब हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। अब ये रिसीट की सारी एंट्रीज एक्सपोर्ट हो गई हैं, अब हमको नई कंपनी में इनको इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ से हम बाहर आएंगे और नई कंपनी जहाँ पर इम्पोर्ट करना है वो खोल लेंगे और यहाँ से हम ABC ट्रेडर्स RNP 12-13 खोल लेंगे। अब इसमें हमको इम्पोर्ट करना है, तो अब हम जाएंगे इम्पोर्ट ऑफ डेटा पर। यहाँ से हम जाएंगे वाउचर्स पर। अब यहाँ पर हमको वो फाइल का नाम देना है जो हमको इम्पोर्ट करनी है, तो एक्सपोर्ट करते समय जो फाइल का नाम था daybook.xml वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब एंटर प्रेस करेंगे, ये डेटा इम्पोर्ट हो गया है। अब जिस तरह से हमने रिसीट वाउचर्स की सारी एंट्रीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हैं, उसी तरह से पेमेंट वाउचर्स की एंट्रीज को भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर लें। हमने पेमेंट वाउचर की एंट्रीज भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर ली हैं। अब हम हमारी नई कंपनी में जाकर के चेक कर लेते हैं कि जो एंट्रीज हमने अभी इम्पोर्ट की हैं वो उसमें आ गई हैं या नहीं। इसके लिए डिस्प्ले में आएंगे, यहाँ से हम जाएंगे डे बुक में। अब यहाँ पर भी हमको जिस पीरियड की एंट्रीज हमने ली हैं वो पीरियड यहाँ पर डाल देंगे। हमने 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक का पीरियड चुना था, वो वापस हम ले लेंगे। और देखिए यहाँ पर अब ये रिसीट और पेमेंट की एंट्रीज आ गई हैं। जिस तरह से अभी हमने रिसीट वाउचर और पेमेंट वाउचर की एंट्रीज को इंपोर्ट करना सीखा, उसी तरह से हम सारी वाउचर एंट्रीज को या किसी पर्टिकुलर पीरियड के सारी एंट्रीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ऑफिस में आप टेली में काम करते हैं और रोज जो काम हुआ है उसका बैकअप ले जाकर के
अपने घर पे कंप्यूटर में आपने कंपनी बना रखी है उसमें वो बैकअप डाल देते हैं ताकि जो डेटा है वो सुरक्षित रहे। अब मान लीजिए हमारी जो कंपनी है एबीसी ट्रेडर्स 1213, इसमें 31 मार्च 2013 तक काम हो गया है, पर घर पर जो हमने कंपनी बनाकर रखी है बैकअप लेने के लिए एबीसी ट्रेडर्स 1213, उसमें अभी 25 मार्च 2013 तक का ही बैकअप है, वहीं तक का काम है, 5-6 दिन से हम बैकअप नहीं ले पाए। अब अगर आपको इस दौरान जो भी काम हुआ है, जो भी वाउचर एंट्रीज हुई हैं, वो चाहिए, मान लीजिए आप पूरा बैकअप नहीं लेना चाहते, आपको केवल जो काम हुआ है या जो भी वाउचर एंट्रीज हुई हैं वो ही लेना है, उनको ही यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपनी कंपनी में इंपोर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे ये हम अब सीखते हैं। इसके लिए पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिन भी लेजर्स में वो एंट्रीज हुई हैं वो सारे लेजर्स जिस कंपनी में आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हो उसमें होना ज़रूरी है। वैसे तो हमने सारे मास्टर्स जो हैं वो इंपोर्ट कर लिए हैं, पर इन 5-6 दिनों के दौरान अगर कोई नए लेजर्स बने हैं जिनमें एंट्रीज हुई हैं तो वो नए लेजर्स भी आपको इंपोर्ट करना होंगे, तभी आप वाउचर एंट्रीज इंपोर्ट कर पाएंगे। अब देखते हैं कि किसी निश्चित अवधि की वाउचर एंट्रीज को कैसे इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए पहले हमें उन एंट्रीज को एक्सपोर्ट करना होगा। इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले पर, यहाँ से जाएंगे डे बुक में, हमने जो कंपनी बना रखी है घर पे उसमें 25 मार्च तक की एंट्रीज हैं, तो हमको यहाँ पर पीरियड चाहिए 26 मार्च से 31 मार्च तक का, तो पीरियड हम चेंज कर लेंगे, उसके लिए ऑल्टर F2 की है, अब यहाँ पर हम डाल देंगे 26 मार्च और 31 मार्च डला हुआ है। अभी देखिए 26 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक की एंट्रीज यहाँ पर आ गई हैं, इनको हमको एक्सपोर्ट करना है, तो जैसा कि आपको पहले बताया था ये एक्सपोर्ट पर जाकर क्लिक कर दीजिए। अब ये यहाँ पर एक्सपोर्टिंग डे बुक पर हम आ गए हैं, अब हम बैकस्पेस की दबाएंगे, ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये हमने आपको पहले भी बता दिए थे, फॉर्मेट जो है वो XML चाहिए वो ऑलरेडी यहाँ पर है। अब एक्सपोर्ट लोकेशन जो है ये हमने आपको बताया था कि जिस भी लोकेशन पर आपको ये डेटा चाहिए वो लोकेशन यहाँ पर चाहिए होती, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जहाँ भी आपका टैली इंस्टॉल्ड होगा वो वाली लोकेशन आपको दिख जाएगी। अब चूंकि हम ये जो डेटा है वो घर में हमारा जो कंप्यूटर है वहाँ पर हमको उसका बैकअप लेना है या वहाँ ले जाने के लिए चाहिए, तो जिस भी आउटर सोर्स के थ्रू हम ये लेना चाहते हैं, मान लीजिए पेन ड्राइव है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ले रहे हैं, उसकी लोकेशन आप यहाँ पर डाल दें। हम ये जो डेटा है वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ले रहे हैं जो कि हमने हमारे सिस्टम में लगा दी है, और उसकी लोकेशन अब हमको यहाँ लिखना होगी, तो उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। ये हम जाएंगे माय कंप्यूटर पर, यहाँ पर ये देखिए ये रिमूवेबल डिस्क L ये यहाँ पर है, ये हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। अब यहाँ पर ये माय कंप्यूटर पर इस तरह से आपको जितनी भी ड्राइव्स हैं आपके सिस्टम में, जितनी भी ड्राइव्स आपने बना रखी हैं वो दिख जाएंगी। अगर अलग से आप कोई भी पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं तो इन सब के बाद जो अगली होगी वो उसकी होगी, जैसे यहाँ पर रिमूवेबल डिस्क लिखा हुआ आ गया है। अब हमने जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाई है वो ये यहाँ पर L ड्राइव में है, तो हम जो लोकेशन है वो L ड्राइव दे देंगे। ये देखिए यहाँ पर अब जो है हमको इसकी लोकेशन देना है, ये यहाँ पर हमने L drive:// ये टाइप कर दिया है, और अब अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ये सेव हो तो फोल्डर का नाम डाल दें, ये बैकअप, ये हमने फोल्डर का नाम डाल दिया है, तो अब ये जो डेटा सेव होगा वो बैकअप नाम का फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर सेव होगा। अब एंटर प्रेस करेंगे, आउटपुट फाइल नेम यहाँ पर आ ही गया है, एक्सपोर्टेड फोल्डर हमको खोलना नहीं है इसलिए इसको नो रहने देंगे। अब यहाँ पर हालांकि फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दिए हैं कंडेंस्ड या डिटेल, पर चूंकि हम पूरा डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सभी डेटा आ जाएगा, इसलिए हमको कुछ भी इसमें स्पेशल चुनने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बढ़ते जाएं, इन ऑप्शंस की भी हमको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट वाउचर्स टू शो, अब इसमें तीन अलग अलग तरह के आपको एंट्रीज नज़र आएंगी, एक तो है अकाउंटिंग एंट्रीज ओनली, यानी केवल आपको अगर पेमेंट वाउचर्स की एंट्रीज चाहिए या रिसीट वाउचर्स की एंट्रीज चाहिए, परचेस सेल इनकी एंट्रीज चाहिए तो हम चुनेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज ओनली। अगर आपको केवल जो भी स्टॉक ट्रांसफर से रिलेटेड एंट्रीज हैं वो चाहिए तो इन्वेंट्री एंट्रीज ओनली ले लेंगे,
और आपको हर प्रकार के वाउचर्स की एंट्री चाहिए तो ऑल वाउचर्स चुन लेंगे। अब हमको जो है वो जो पीरियड हमने दिया है उससे रिलेटेड सारे वाउचर्स की एंट्री चाहिए, इसलिए हम चुनेंगे ऑल वाउचर्स। अब ये पूछेगा एक्सपोर्ट आप करना चाहते हैं तो इसको कर दें यस। ये एक्सपोर्ट हो गई सारी एंट्रीज। अब ये हमने जो पूरी एंट्रीज हैं ये एक्सपोर्ट कर दी हैं, यहाँ से अब हम बाहर आ जाते हैं और इस कंपनी को बंद कर देते हैं। अब मान लीजिए कि हम घर पर आ गए हैं और हमारे घर पर कंप्यूटर पे जो कंपनी हमने बना रखी है वो हमने यहाँ पर ओपन कर ली है, ABC ट्रेडर्स 12-13। ये इसमें देखिए 25 मार्च तक का काम है और यहाँ पर जिस भी आउटर सोर्स में आप डेटा को लेकर आए हैं वो आपको ज़रूर कंप्यूटर से अटैच कर देना है, चाहे वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, जो भी हो। अब जो डेटा हमने एक्सपोर्ट किया है ऑफिस से उसको हमको इस कंपनी में इंपोर्ट करना है। इसको इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंपोर्ट ऑफ डेटा पर, यहाँ से हम जाएंगे वाउचर्स पर। अब यहाँ पर आपको वो लोकेशन देनी है जिस लोकेशन पे आपने डेटा एक्सपोर्ट किया है। अब यहाँ हमारे घर के कंप्यूटर पे वो जो हमने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाई है जिसमें कि हमारा एक्सपोर्टेड डेटा है उसकी लोकेशन क्या आ रही है वो हम देख लेते हैं और वो लोकेशन हम यहाँ पर डाल देंगे। स्टार्ट में जाकर के माय कंप्यूटर्स में देखिए ये हमारी बाकी की ड्राइव्स हैं और ये जो है रिमूवेबल डिस्क ये जी ड्राइव में है। तो अब हमको लोकेशन में ये जी ड्राइव डालना है। ये अब यहाँ पर हम डाल देंगे G:/ और बैकअप, ये फोल्डर का जो नाम था ये हमने यहाँ पर डाल दिया और ये उसके बाद हम फाइल का नाम डाल देंगे जो कि daybook.xml है। ये अब हमने पूरी लोकेशन डाल दी। अब हम एंटर प्रेस करेंगे कि देखिए डेटा इंपोर्ट हो गया और ये देखिए यहाँ पर ये अभी 25 मार्च था और अब ये पूरा 31 मार्च तक का डेटा आ गया है, इसलिए डेट लास्ट एंट्री की यहाँ चेंज हो गई। तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार के वाउचर की एंट्रीज को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। टेली ERP 9 के इंपोर्ट अध्याय के चौथे भाग में हमने सीखा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में वाउचर एंट्रीज इंपोर्ट करना।